Hey guys, Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Welcome back to Creative Videos. So guys, आज हम कर्व स्लीव्स का इंतहा इजी तरीका यहाँ पे बनाने जा रहे हैं. सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं बुकरम पेस्ट कर चुकी हूँ. तो यहाँ पर इसकी मेजरमेंट आपने 1 इंच चौड़ाई में लेनी है और 9 इंच लंबाई में लेनी है. तो यहाँ पर मैं स्लीव्स की कटिंग कर चुकी हूँ. तो स्लीव्स की जो आगे से चौड़ाई है ना वो आप 18 इंच होना चाहिए, तभी फिर अच्छे से चुनर्स आएंगी. तो यहाँ पर ये कफ है जिसको बुकरम पेस्ट करके रेडी कर लिया है. तो इसको आप इस तरह से कपड़ा फोल्ड करेंगे. फोल्ड करके आप आयरन से निशान बना लीजिएगा. तो लेस को बिल्कुल उसी निशान पे रख के स्टिच करेंगे. लेस यहाँ पर आपने उल्टी रखनी है. यहाँ पे हम लेस लगा चुके हैं, ठीक है. अब आपने बिल्कुल उसी तरह कफ के बराबर कपड़ा लेना है और इसको इस तरह से उलट रख के, तो आपने इस तरह से पलट के देखना है. तो लेस वाली सिलाई आपको दिख रही होगी बिल्कुल सेम एज इट इज, उसी सिलाई के ऊपर आप यूं सिलाई कर देंगे. फिर आप इसको सीधा करेंगे तो बिल्कुल एक इनविजिबल तरीके से लेस लग जाएगी. यहाँ पे आप इसको सीधा करके एक बार आयरन जरूर कर लीजिएगा. आयरन करने के बाद हमें 1 पाँव के वक्फे से यहाँ पर सिलाई लगा देनी है. यहाँ पे हमारा कफ बिल्कुल रेडी है. यहाँ पर आप इसको फोल्डिंग इस तरह से कर लीजिएगा आयरन से अच्छे से, क्योंकि अभी जब हम इसे स्टिच करेंगे तो काफी हेल्पफुल हो जाएगा. इसको आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि इजिली लग जाए. अब हम इस कफ को अपनी स्लीव्स के आगे स्टिच करेंगे. क्योंकि हमारी कफ की जो लंबाई है स्लीव्स की लंबाई से हाफ है, यानी कफ की लंबाई 9 इंचेस है और स्लीव्स की जो सारी टोटल चौड़ाई है वो 18 इंचेस है, ठीक है. तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चुनर्स देनी है. आप चाहें तो मशीन से भी चुनर्स बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक नए तरीके से चुनर्स बनाना सिखाऊंगी. यहाँ पर आपको ये करना है कि मशीन का जो बहा है वो थोड़ा बड़ा कर लेना है, यानी यहाँ पर हमें रफ स्टिच देनी है. एक स्टिच देने के बाद दोनों तरफ से धागे को आपने खींचना है. पहले एक साइड से खींचेंगे आप, इसी तरह से आप दूसरी साइड से खींचेंगे और चुनर्स को आपने बिल्कुल मिड में कर देना है. और फिर इस तरह से आपकी स्लीव्स की जो चौड़ाई है आपके कफ जितनी रह जानी चाहिए. और चुनर्स कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा दरमियान में आए, साइड्स पे ना भी आए तो कोई इशू नहीं, दरमियान में आने चाहिए. इस तरह चुनर्स बन जाने के बाद आप अपने कफ को इसके साथ रख के सेट करेंगे क्या वाकई ये इसके बराबर है, ठीक है. इसके साथ आप इस तरह से मेजर कर लेंगे. सबसे पहले व्यूज, यहाँ पर आपने जो चीज़ नोट डाउन करनी है वो ये है कि किस तरह से मैं यहाँ पर कफ को अटैच करूंगी. आपने इस तरह से स्लीव्स को उठाना है और कफ की जो बैक साइड है उसको उसके साथ मिलाते हुए आपने इस तरह से चुनर्स वाली साइड को ऊपर रखना है. तो यहाँ पर जो चुनर्स वाली साइड है वो ऊपर रखते हुए बिल्कुल एज इट इज चुनर्स वाली सिलाई के ऊपर ही हम सिलाई लगा देंगे. तो इस तरह से हमारे कफ की बैक साइड से बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी. तो आपने उसी कफ को इस तरह से उठाना है और फ्रंट साइड का जो नीट साइड है हमारी इसको इस तरह से ऊपर रख के फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे. तो व्यूज, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारी चुनर्स किस कदर एक जैसी और खूबसूरत सी आई हैं. इस तरह पहने हुए भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेंगी और ये जो आगे लेस लगाई है ये बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, फिनिशिंग में भी बहुत अच्छी आई है. तो अब यहाँ पर आप इसको फिनिशिंग, क्योंकि इतनी अच्छे से आ गई है तो इसकी फिटिंग की सिलाई कर लेंगे. लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले इसके जो स्लीव्स के जो शोल्डर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर हम थोड़ा सा पफ बनाना चाहेंगे क्योंकि कफ के साथ पफ स्लीव्स भी बहुत अच्छी लगती हैं. तो यहाँ पर आपने बिल्कुल वो जो स्लीव्स की मिड साइड होती है ना जहाँ पर शोल्डर अटैच करते हैं बिल्कुल वहाँ पर आपने रफ स्टिच दे देनी है. तो यहाँ पर भी हमें इस तरह से धागे को खींचते हुए मिड में चुनर्स बनानी है. तो मिड में जब आप ज़्यादा से चुनर्स बना लेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत सा पफ बन जाएगा. फिर इसे आप जब अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो पहने हुए एक तरह से उभरी हुई और बहुत ही पफी सी लुक आएगी जो कि बहुत खूबसूरत लगेगी. इस तरह से हमारी स्लीव्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगी. उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना मत भूलेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.